में आएंगे। तो लास्ट क्लास हमने ये पढ़ लिया था कि आखिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है चाहिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए आपको रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए, मतलब ताकि मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। तो आपको पता होगा, ठीक है, उस तरीके से मैंने आपको डील किया था कि हम वो एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं ताकि मेरा वो एनर्जी बैरियर को क्या कर दे, वो क्रॉस कर दे, मतलब जिस वजह से मेरा क्या हो जाए, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राफ्स ऑफ आरहेनियस इक्वेशन, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ आरहेनियस इक्वेशन, ठीक है। ग्राफ ऑफ आरहेनियस इक्वेशन में कुछ नहीं, यहाँ पे दो ग्राफ आपको मिलेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। बेसिकली आपने ये जो है ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये सब पहाड़ियों वाले ग्राफ आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। बस यहाँ पे हमें क्या करना, थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे करना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सपोज करो आपको मेरा ER रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल, यहाँ पे उनकी एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, और ये है मेरा EP, ठीक है। ये अगर मेरा है ER, ये मेरा हो जाएगा EP, ठीक है। अब समझो बात को, ये पहाड़ी वाले ग्राफ में ये बात होती है कि जो मेरा मैक्सिमम पीक कर्व होता है ये होता है ट्रांजिशन स्टेट का, किसका होता है, ट्रांजिशन स्टेट का। और यहां पे जो एनर्जी होती है, मतलब जो दिस इज द मिनिमम एनर्जी, इसी को हम क्या बोलते हैं, ET बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ET। और यहीं पे क्या बनता है, यहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था, जो मेथड आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से क्या भैया, अगर मान लो, अब फिर से समझो, अगर आपको नहीं समझ में आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट, ये एवरेज एनर्जी है, ये हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, मैं ऐसा मान के चलो ये एनर्जी रहती है, ठीक है, एवरेज एनर्जी हम जिसको बोलते हैं, रिएक्टेंट एनर्जी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना कि यहां से आपको यहां जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये जो गैप है, मतलब ये जो गैप होगा आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको, एक्टिवेशन एनर्जी इन केस, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। अब दिस इज द एनर्जी, मतलब ये मिनिमम एनर्जी है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ये क्या है मेरा मिनिमम एनर्जी, मतलब जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इसके बराबर एनर्जी नहीं होगी तब तक वो कभी भी मेरा रिएक्शन, मतलब वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बात बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। अगर ये रिएक्टेंट, मतलब अगर मुझे यहां से यहां लेके जाना, सपोज करो यहां पे कोई बॉल है, तो यहां पे आपको इसको चढ़ाना, तो इतना डिस्टेंस का आपको, मतलब ये जो डिफरेंस होगा, ये एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। पहली बात क्या है, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी किसी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी, आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, तो जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कोलिजन इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब जाएगा वो कैसे, कोलिजन करते करते ही, मतलब एक तो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए और एनर्जी इसके बराबर कम से कम होनी चाहिए, ताकि जैसे ही वो यहाँ पे आ जाए, तो जैसे यहाँ पे भी आ गया, मतलब दो बातें होती है। देखो अगर मैंने इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करी ताकि मेरा जो डिफरेंस है, मतलब पहले यहाँ पे था और आपने जस्ट यहाँ पे पहुंचा, जस्ट मतलब आपने उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करी ताकि मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ET पे पहुंचा है, सिर्फ पहुंचा है, मतलब अभी भी उसके पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि यहां तक पहुंच पाए, तो क्या अब भी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, सोचिए, बिल्कुल होगा। आप ऐसे इमेजिन लगाइए कि मैंने बस बॉल को यहां तक पहुंचा दिया, हल्का सा धकेल दूंगा तो क्या बॉल नीचे नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर आपने बस इतना ही सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड किया ताकि ER बिकम्स इक्वल टू ET, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी जस्ट बराबर हुई है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, जैसे थ्रेशोल्ड, मैंने क्या बोला, जैसे ही वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, मतलब ET पे आते ही वो क्या बना देगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच गया, 110% ये श्योर मान के चलो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ही होगा, पहला केस। यदि
अगर मैंने इतना ही सफिशियंट एनर्जी दिया ताकि वो यहां तक पहुंच पाए तो क्या तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? तब नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी, मान लो एक्टिवेशन एनर्जी से थोड़ी ज्यादा प्रोवाइड कर दी, तो हो सकता है वो यहाँ पे आ जाएगा, बट यहाँ तो यहां से तो जरूर क्रॉस करेगा वो। तो जैसे यहां से वो क्रॉस कर दिया, या आप ऐसा इन अनदर वे आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने इतनी एनर्जी प्रोवाइड करी ताकि मेरा कम से कम यहां पहुंच जाए या इससे ज्यादा हो जाए, तो मेरा प्रोडक्ट बनने का 100% चांसेस रहता है। देखो चांसेस अभी मैंने क्यों बोला, आप लोग सर अभी भी आप चांस क्यों बोल रहे हो, तो बेटा ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी बेस्ड कर्व है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी कर्व, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो उसने जो पहली कंडीशन फॉलो करी भैया, एनर्जी बैरियर को उसने क्रॉस कर दिया, लेकिन अभी भी एक कंडीशन और रहती है, ओरिएंटेशन बैरियर। याद होगा कि एनर्जी तो होनी चाहिए सफिशियंट, बट प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करना चाहिए। तो ये जो कर्व बताता सिर्फ एनर्जी का कर्व बताता है कि भैया आप यहां से एनर्जी का टर्म में चीजें समझा सकते हो, बट ओरिएंटेशन का कर्व ये नहीं बता सकता। ओरिएंटेशन इज टोटली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। बस आप एक अनुमान लगा सकते हो कि इतने मॉलिक्यूल्स में इतने मतलब मान लो जो मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करके इतनी एनर्जी के साथ यहां पहुंच गए, तो मतलब 100% वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब मान लो आपने रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी, उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके, मतलब कितनी एनर्जी आपने प्रोवाइड किया, ये प्रोवाइड किया एक्टिवेशन एनर्जी के लैग प्रोवाइड किया, तो इतना एनर्जी यहाँ पे पहुंच एब्जॉर्ब करते हुए यहाँ पहुंच जाएगा, और जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मान लो अब यहाँ पे पहुंचेगा, मतलब यह है कि एनर्जी वो रिलीज करेगा। माना मैंने ये कि जितना एब्जॉर्ब किया उसने, ठीक है, यहाँ से वो जितना एब्जॉर्ब किया उससे कम अमाउंट में एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि अभी भी मेरा इस केस में ईपी इज ग्रेटर देन ईआर। तो मतलब यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, ईपी माइनस ईआर होगा डेल्टा एच, क्योंकि ये जो हमेशा जो ये जो रहता है वो क्या रहता है, वो डेल्टा एच रहता है। क्या रहता है? डेल्टा एच रहता है। डेल्टा एच रहता है मतलब ये ईपी बड़ा हो गया ईआर से, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है। मतलब ये ग्राफ किसके लिए होगा? मेरा एंडोथर्मिक के लिए होगा। किसके लिए होगा? एंडोथर्मिक के लिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो अगेन ये यहाँ पे मेरा ईआर है और यहाँ पे ईपी है, तो अगेन इनका डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होता है? डेल्टा एच के बराबर। ये हमने पहले थर्मोडायनेमिक्स में देख चुके हैं। और अगेन यहाँ से यहाँ प्रोवाइड जो एनर्जी मैं प्रोवाइड करूंगा वो मेरे लिए क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ठीक है। ये अगेन मेरा क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट होगा। जो इसके लिए टर्मिनोलॉजी सेम टर्मिनोलॉजी इसके लिए भी होता है, बट देखो यहाँ पे क्या है, EP is less than ER, इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये ग्राफ क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा ये ग्राफ? एक्सोथर्मिक। देखो जेई मेन्स और नीट में कभी कभी आपसे हो सकता है ये भी पूछ, मतलब ग्राफिकली टर्मिनोलॉजी भी पूछ सकता है नीट वगैरह जेई मेन्स वगैरह, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये जो मैंने ग्राफ बताया था ये सिर्फ इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, किसके लिए? इररिवर्सिबल रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। मान लो रिएक्शन अगर मेरा बैकवर्ड भी रहा तो ये भी बात है कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां जा सकता तो प्रोडक्ट भी यहां से यहां कन्वर्ट हो सकता है। मतलब इस केस में यहां से यहां जाऊंगा तो यही एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी? एनर्जी एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड। और यहां से यहां जो एनर्जी होगी मेरी, यहां पे समझाता हूं, मतलब यहां से यहां जो एनर्जी होगी वो मेरे लिए क्या होगी? एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, और ये एनर्जी हो जाएगी फॉरवर्ड। तो से समझो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये एनर्जी मुझे देना पड़ रहा, तो मतलब ये कहां के लिए एनर्जी होगी? फॉरवर्ड के लिए होगी। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है, प्रोडक्ट भी तो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, तो प्रोडक्ट जब यहाँ पे था तो उसको यहाँ पहुंचाने के लिए मुझे एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो क्या डेल्टा एच को मैं लिख सकता हूँ एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। एक बात समझ में? तो इनका डिफरेंस ही ये क्या होगा, अब इस केस में ये भी ज्यादा है और ये कम है, तो ये नेगेटिव होगा, तो इसलिए क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आए। इसके बाद हम बात करते हैं आर्गेनियस इक्वेशन की, ठीक है। आर्गेनियस इक्वेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इवन दो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आर्गेनियस इक्वेशन क्या कहता है, समझो बात को, इसी ग्राफ से मैं समझाता हूँ कि भैया ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब एक ग्राफ मैंने ये भी बताया था कि भैया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इस तरीके से, यहाँ पे मेरा क्या होगा? ईपी होगा, यहाँ पे मेरा क्या होगा? ईआर होगा, और ये मेरा डिफरेंस जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी होता है। तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा जो ईटी को क्रॉस कर चुके हैं। ये आरएनएस का मानना था कि भैया किसी भी रेट ऑफ द रिएक्शन,
मतलब जो भी मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन रेट उन्हीं के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है। तो बात समझना बिल्कुल ध्यान से, कहने का मतलब यह है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, पहले तो समझो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच आर क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर ऐसे कितने होते हैं, तो उसने निकाला e raised to e minus ea by rt, ये उसकी वैल्यू होती है हर रिएक्शन में। हर रिएक्शन के जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर क्रॉस करते हैं ना, मतलब यहां से यहां इसको जो क्रॉस करेगा उनकी वैल्यू कितनी, e raised to minus ea by rt, ठीक है। r की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 2 ले वो या तो 8.314 लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली उसने क्या कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच आर क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने तो ये बोला था कि भैया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो दो कंडीशन फॉलो करता है एनर्जी बैरियर, एक तो उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए प्लस प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करना चाहिए, तभी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो मतलब आर्किमिडीज ने तो सिर्फ एनर्जी बैरियर माना, नहीं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे एक लॉजिक भी है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। दोनों कंडीशन इस इक्वेशन में आ जाएंगे, दोनों कंडीशन मैंने आपको बोला था ना कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ और विद सफिशिएंट एनर्जी के साथ टकराए, सफिशिएंट एनर्जी मतलब ट्रांजिशन स्टेट से उनकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तभी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था। उसने ये बोला कि देखो रेट, भैया मैं ऐसा बोल रहा हूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू माइनस ए बाय आरटी, मतलब कोई का भी रेट ऑफ द रिएक्शन उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा जो मेरे एनर्जी बैरियर क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। मुझे पता है कि रेट बराबर क्या होता है, के कंसंट्रेशन का पावर एन, क्या ऐसा होता है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर मुझे कंसंट्रेशन, क्योंकि अभी यहां पे हम किसका इफेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर का, तो मैंने आपको हमेशा बोला कि जब भी हम किसी एक का इफेक्ट स्टडी करते हैं तो दूसरा इफेक्ट हमेशा क्या करते हैं, हम कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर की स्टडी कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन का इफेक्ट तो मैंने पहले वाले पार्ट में खत्म कर दिया था, मतलब ये आपके लिए क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो क्या आर बराबर के होगा, इसका मतलब ये होगा कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। और k को मैं जब प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो a डॉट e रेस टू माइनस ea बाय rt। अब a का मतलब क्या होता है, a का मतलब साइंटिफिकली निकाला गया p into zab। अब ab से याद आया वो मॉलिक्यूल a टू b टू टकरा रहे थे, तो a और b, तो उनका zab यहां पे मेरे लिए क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा, क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और P क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो देखो बेसिकली आप समझ सकते हो कि ये पूरे इक्वेशन ही प्रोबेबिलिटी के पर, देखो रेट ऑफ, मतलब क्योंकि मुझे पता है R इज इक्वल टू K, तो K बोलू या रेट ऑफ द रिएक्शन बोलू कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे टेम्परेचर का स्टडी करना है, इसलिए मैं यहाँ पे के को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ के एक ऐसा क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, ठीक है। इसलिए के रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसका मीनिंग ही यही है आज ने इस इक्वेशन का, आपको समझ में आ गया होगा। ZAB मतलब क्या होगा, जब कोलाइड किए होंगे तो सफिशिएंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो प्रोड्यूस होगी ना, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी तभी प्रोड्यूस हो सकती है सफिशिएंट जब वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करेंगे। तो इसका मतलब P into ZAB आपको क्या देगा, A। अब A को मैं क्या-क्या बोल सकते हैं यहां पे, हां अब आपको समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ रिएक्शन, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। आई बात समझ में,
कोई डाउट यहाँ तक? चलिए ठीक है, अभी मैं इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। इसको मैं नहीं मिटा रहा, ठीक है? ठीक है, तो मैं लिख देता हूं वेयर ए इज अ कांस्टेंट, वेयर ए इज अ कांस्टेंट नोन एज, क्या क्या कहते हैं इसको? आर्हेनियस फैक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्हेनियस फैक्टर बोला जाता है इसको, और इसका दूसरा नाम क्या है? इसको कोलिजन फैक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्लूड हो रही है इसलिए इसको कोलिजन फैक्टर भी बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है, और इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोला जाता है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल, ये सारे इसके नाम है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको इन तीनों से कोई भी नाम यूज करे, इसका मतलब ही क्या होता है? ये होता है, ठीक है? एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट, एंड इट टेक्स इनटू, एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो प्रोबेबिलिटी भी इंक्लूड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी भी इंक्लूड कर रहा है, इसलिए इसका मतलब ये होता है, ठीक है? अब ए की यूनिट क्या हो सकती है? तो आपको बात समझ में आए, ए का मीनिंग क्या हुआ? आरएनएस फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वजह रेट कांस्टेंट टेंपरेचर के साथ तो वैरी करता ही है, साथ ही साथ ये क्या इंक्लूड करेगा? क्योंकि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन किनके बाद किन-किन बातों पर डिपेंड करता है? द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर विद हैविंग प्रॉपर ऑरियंटेशन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब टकराएगा तो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, तो फ्रीक्वेंसी का तो बहुत ज्यादा यूज नहीं है। हमारे लिए मेन कंडीशन ये है, देखो टकराना चाहिए मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है विद प्रॉपर ओरियंटेशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है विद द विद बाय क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर ले, तो वो भी कंडीशन, तभी तो रेट ऑफ द रिएक्शन, तभी तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। और ये मतलब ही वही बताता है मुझे, समझ में आई बात सबको? तो दिस इज ओवरऑल जो मैंने आपको कोलिजन थ्योरी बताई वहीं से उसने आरएनएस इक्वेशन बनाया था अपना, और ये दिस इज द ओवरऑल आरएनएस इक्वेशन, और यही बताता है मुझे कि रेट कांस्टेंट का आखिर टेंपरेचर के साथ कैसे वैरी करता है। आई बात समझ में सबको? ठीक है, आखिर ए की यूनिट क्या होगी? देखो भैया ये तो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये कांस्टेंट है, तो के की यूनिट ए के बराबर होती है, ठीक है? तो दूसरा क्या होगा? ए हैज सेम यूनिट एस के, ठीक है? दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात है, आरएनएस इक्वेशन कभी भी जीरो ऑर्डर पे नहीं लगता और रेडियो एक्टिविटी प्रॉब्लम पे नहीं लगता है, तो इन चीजों को बात में ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है? तो आरएनएस इक्वेशन आर नॉट एप्लीकेबल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर एंड रेडियो एक्टिविटी प्रॉब्लम, एंड रेडियो एक्टिविटी प्रॉब्लम, आई बोल इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, ठीक है? या तो आपको ऐसे दे दूं, या मैं दे दूं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लिमिट टेंस टू टी टेंस टू इनफाइनाइट के, इसकी वैल्यू बताने बोलो, तो कैसे क्या कैलकुलेट कैसे करोगे? तो के बराबर क्या होगा? लिमिट टेंस टू टी टेंस टू इनफिनिटी, इसका मतलब लिमिट टेंस टू टी टेंस टू इनफिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए डॉट ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है? और 1 बाय इनफिनिटी जब आप इसको पुट करोगे तो 1 बाय इनफिनिटी मतलब क्या होता है? 0, ई रेस टू 0 मतलब क्या हो गया? 1, मतलब के की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो सकती है? ए के बराबर हो सकती है। इसका मतलब देखो, बात समझना,
के का वैल्यू ए के बराबर हो जाना अपने आप में एक बड़ा मीनिंग होता है। पूछो कैसे, समझो बात को। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, मतलब एक तरीके से फ्रैक्शन डिनोट कर रहा है। फ्रैक्शन का मतलब वन हो चुका है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल किस क्या कर चुके, क्रॉस कर चुके एनर्जी बैरियर। मान लो आपके पास 20 मॉलिक्यूल थे टोटल, और टोटल 20 के 20 मॉलिक्यूल एनर्जी क्रॉस एनर्जी बैरियर क्रॉस कर चुके हैं, और विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब हर कोलिजन क्या हो चुका है इस केस में, इफेक्टिव कोलिजन हो चुका है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई, देखो यहाँ से प्रूफ हो रहा है ना कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर हाई करोगे, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर हाई करोगे उतना ही नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, बढ़ते। और तो इसलिए आपको याद हो ग्राफ पहले ऐसे था फिर बाद में ऐसे हो गया, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था इसी वजह से। क्यों? क्योंकि यहीं से उसका रीजन मिलता है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं, इस वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब के की हाईएस्ट वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, ए के बराबर हो सकती है। मतलब हर उसका टोटल प्रोबेबिलिटी वन, इसके मतलब हर कोलिजन इनफाइनाइट टेम्परेचर पे हर कोलिजन क्या हो जाता है, इफेक्टिव कोलिजन बन जाता है। आई बात समझ में सबको, तो दिस ये ओवरऑल मीनिंग था, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ के और टी के ग्राफ की बात करूँ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, कैसा जाएगा, इस तरीके से ग्राफ जाएगा के और टी का ग्राफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, जेई में भी आ चुका है, ठीक है, जेई मेंस में आ चुका है एक बार ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो जो जेई मेंस का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट क्या मान के चलो नीट में भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है, बैरियर नहीं है कि जेई मेंस वाले क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकते। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट भी कर देता जेई मेंस का नीट में, ठीक है। चलो ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे तरीके से बात करूं, k equal to a dot e raised to minus e by rt, ठीक है, दोनों तरफ log ln ले रहा हूं, पर taking ln both side, ln k बराबर क्या हो जाएगा, ln a dot e raised to minus e by rt, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ln a, ठीक है, plus ln e raised to minus e by rt, ln e और ln क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ln a माइनस ई ए बाय आर टी। तो ये ln k का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखो टेम्परेचर के साथ कैसा भी रिलेशन हो गया, ऐसा ln का, अगर k का बोलोगे तो k का डायरेक्ट किसके साथ होता है, एक्सपोनेंशियल कर्व रहेगा ऐसा, ठीक है। देखिए ln का ग्राफ होगा तो इनवर्स रहेगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से वेरिएशन होगा। या तो आप इसको log k log a माइनस ई ए बाय 2.303 rt, ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में, अब इन दोनों के ग्राफ जेई एनसीईआरटी में दिया हुआ, एनसीईआरटी दिया मतलब ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ln k और 1/t का ग्राफ, log k और 1/t का ग्राफ। देखो ग्राफ का नेचर तो y mx - c का ही ग्राफ है, मतलब नेचर तो स्ट्रेट लाइन लीनियर ही रहेगा, लेकिन स्लोप का फर्क है। यहां पे स्लोप आएगा ea r का स्लोप है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ई ए बाई 2.303। दोनों में बस फर्क इतना ही है स्लोप का, बाकी नेचर वाइज बाकी सब क्या है सेम रहेंगे। आई बात समझ में आ तक, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देखो जेई मेंस और नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ठीक है, तो मैं अच्छा क्वेश्चन कर रहा हूँ इसके ऊपर ताकि आपको सब चीजें क्लियर हो जाए आपके माइंड में। ठीक है, क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन वेरिएशन, फॉर अ रिएक्शन वेरिएशन ऑफ एलन के, वेरिएशन ऑफ एलन के, वेरिएशन ऑफ एलन के इज गिवन by equation क्या है, ln k minute inverse, मतलब इसकी यूनिट दी हुई है 5 - 20/t calorie, ठीक है, 5 - 20t calorie दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सेकेंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए
थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट -223 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वैल्यू दिया हुआ है। एट लास्ट क्या बोला, एट व्हाट टेम्परेचर हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन विल बी, एट व्हाट टेम्परेचर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन विल बी 1.386 मिनट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो इक्वेशन का मेरा क्या होता है, एलन के बराबर क्या दिया हुआ, देखो यहीं से तक आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एलन के बराबर एलन ए माइनस ई ए बाय आर टी, ये इक्वेशन है। अब इसको इससे कंपैरिजन करो, तो क्या 20 बाय टी को मैं लिख सकता हूं, -20 बाय टी को लिख सकता हूं माइनस ई ए बाय आर टी, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ई ए बाय आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 के बराबर, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगी 20, क्योंकि कैलोरी में दिया है इसलिए आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब 40 कैलोरी हो जाएगी। क्या दिया हुआ, 40 कैलोरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पे खत्म। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए, तो अगेन कंपैरिजन करो, तो ln a बराबर क्या हो जाएगा 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा e रेस्ट टू 5, मतलब ये वैल्यू दी होगी तो आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, बोल क्या रहा फिर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट -323 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे टेंपरेचर कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। देखो क्योंकि हमेशा मैंने आपको बोला फिजिकल केमिस्ट्री में टेंपरेचर आप हमेशा केल्विन में ही रखोगे, बाकी और कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आई बात समझ में, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही है बेटा? ठीक है, अब टेंपरेचर आपको दिया हुआ है, हाँ अब टेंपरेचर दिया हुआ तो पुट करिए, एलन के बराबर क्या होगा, एलन के बराबर होगा 5 -20/50, तो दिस और दिस कैंसिल, तो 5 -0.4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4.6, तो k की वैल्यू हो जाएगी e रेस टू 4.6, तो ये वैल्यू आपको क्या होगी हमेशा दी जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला, एट व्हाट टेंपरेचर हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन विल बी 1.386। ठीक है, हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आप पहले काम करो, पहले तो ये डिसाइड करो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो कैसा डिसाइड करोगे आप, मैंने तो ऑर्डर तो ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ ही नहीं है, तो आपको याद है मैंने आपको बोला जब कुछ ना दिया जाएगा तो के का यूनिट हमेशा दिया जाएगा, और मिनट इनवर्स उस किसके किस ऑर्डर का के का होता है, तो मतलब मिनट ऑर्डर किस, मतलब रेट कांस्टेंट जो मिनट ऑर्डर मिनट इनवर्स है वो किस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का होता है, ऑब्वियस सवाल है फर्स्ट ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का तो हाफ लाइफ मुझे पता हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय के, तो के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 1.386 दिया हुआ, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ln k मतलब 1/2 5 - ea, देखो ना तो a चेंज होगा। ठीक है, हमेशा रखना टेम्परेचर के साथ कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होता, ना ही 5 चेंज होगा। ठीक है, ये दोनों कभी भी चेंज नहीं होंगे, तो आप कैसे कर सकते हो -20/20/t, तो क्या यहां से मैं t की वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो आप यहां से आप मुझे t की वैल्यू कैलकुलेट करके मैसेज करोगे। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। देखो नीट वालों, एक बात तो मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपको मुझे ये बताना होगा कि आपके सिलेबस में न्यूक्लियर केमिस्ट्री है या नहीं है। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि एलन में दिया हुआ है, आकाश में नहीं दिया हुआ है, तो प्लीज चेक इट आउट, आप नीट वाले एक बार ये चेक करके बताइएगा कि नीट वाले के सिलेबस में है या नहीं है। और बाकी जहाँ तक मुझे लगता है कल तुम्हारा लास्ट टॉपिक होगा, कल तुम्हारा लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट लेक्चर होगा इसका, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का, बट दैट विल बी योर लेक्चर नंबर, ये 9 था, लेक्चर नंबर 10 तुम्हारे लिए फाइनल होगा, और बाकी जेई वालों के लिए 2 लेक्चर और जाएंगे बस। ठीक है, तो एक या 2 लेक्चर और एक्स्ट्रा जाएगा, बाकी नीट वालों का कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो वेरिएशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विद टेम्परेचर की बात करें, वेरिएशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विथ
बात करें तो याद रखना एक्टिवेशन एनर्जी ए एंड डेल्टा एच आर अज्यूम टू बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ऐसा मानते हैं। जनरली होता नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा समझो, अभी मैंने आपको बताया था कि भैया टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एनर्जी मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब हर फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगी मतलब प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी, जेड ए बी भी बढ़ेगा मतलब एल एन ए बी वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी, एक्टिवेशन एनर्जी आप बोल सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट रहेगा, बट ये इंडिपेंडेंट नहीं होता टेम्परेचर पे, बट क्योंकि मुझे एक डेरिवेशन निकालना है इसलिए फिलहाल के लिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि एल एन ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, बट प्रैक्टिकली एल एन ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं होता। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बात समझ रहे हो, क्योंकि आप समझो कि आपने टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ रहा, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से ए की वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है, ए की वैल्यू क्या होती है बढ़ती है। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला तो मेरा क्या है, के बराबर ए डॉट ई रेज़ टू माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर T1 लिया मैंने तो EA तो एज इट इज रहेगा, EA एज इट इज रहेगा, A एज इट इज रहेगा, बट क्या चेंज हो जाएगा, K1 चेंज हो जाएगा, K बराबर क्या हो जाएगा K1, तो K1 को लिख सकता A dot E raise to minus EA by R T1 लिख सकता हूँ। टेम्परेचर अगर मान लो T2 ले लिया तो EA भी सेम रहेगा, A भी सेम रहेगा, लेकिन E T2 की जगह क्या हो जाएगा, T2 पे K2 हो जाएगा, तो A dot minus EA by R T2 ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूं इस इक्वेशन को 1 और 2 को डिवाइड कर दिया मैंने 1 से, 2 को डिवाइड किया 1 से मतलब K2 by K1, K2 by K1 मेरा क्या हो जाएगा, देखो K2 by K1 हो जाएगा A dot minus EA by R T2 by A dot minus EA by R T1, A कैंसिल हो जाएगा, तो K2 by K1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, K2 by K1 को मैं लिख सकता हूँ E raise to minus EA by R T2 plus EA by R T1, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ E raise to, अगर मैंने कॉमन ले लिया EA by R, EA by R मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 by T1 minus 1 by T2, और E इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ln K2 by K1 बराबर क्या हो जाएगा EA by R 1 by T1 minus 1 by T2, ठीक है, या तो वो ऐसा रहेगा या तो log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है, इरिवर्सिबल या फॉरवर्ड के लिए, अगर K अगर मान लो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो क्या होगा T1 T2 पे K इक्विलिब्रियम 2 by K इक्विलिब्रियम 1, यहां पे क्या होगा डेल्टा EA हो जाएगा मतलब फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ठीक है, बाय 2.301 by T2 माइनस, या तो डेल्टा EA को मैं डेल्टा H के बराबर भी लिख सकता हूं, तो याद ही हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पहले से कवर किया हुआ ये फार्मूला, ठीक है। और सेम फार्मूला इसी टाइप का फार्मूला मैंने कहां कवर किया, सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर P2 by P1 डेल्टा एच बाय 2.303 या 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने वहां पे भी कवर किए थे, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन अब हम करते हैं और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो नीट में हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा नीट वालों को, बट आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन सकते हैं थ्योरेटिकल, तो पहले अगर आप ये न्यूमेरिकल समझ जाओ जो मैं करा रहा हूँ तो इस पर बेस्ट कॉन्सेप्ट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा, कैसे समझ में आ जाएगा वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट ऑफ अ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस is 5 into 10 to the power 2, 5 into 10 to the power 2, while at 127 degree Celsius, it is
5 × 10⁴ फोर कैलकुलेट कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की कितनी होगी। इसको उसने फॉर्मूला मेरा क्या लगता है, लॉग ऑफ के टू बाय के वन इज इक्वल टू ई ए बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो लॉग मेरा क्या होगा, इनिशियली के टू को मैं कितना मान रहा हूँ 5 × 10⁴, इतना बड़ा, और फाइनली 5 × 10⁴ था, इनिशियली वैल्यू कितनी 5 × 10⁴, ये मतलब निकालना है मुझे 2.303 R, R की वैल्यू 2 मान लो, 1/T1, T1 आपके लिए कितना हो जाएगा, T1 आपके लिए हो जाएगा 300, मतलब 27 तो 300 है, और T2 मेरा आपके लिए कितना दिया होगा 227 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा 127 है ना, तो 400 हो जाएगा, तो 400। तो क्या यहाँ से मैं ये की वैल्यू नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ, ये की वैल्यू आप कैलकुलेट करके मुझे बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5%, इंक्रीजेस बाय 5% व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 300 to 310 केल्विन, व्हाइल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाइल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, while equilibrium constant increases by 2%, while equilibrium constant increases by, while equilibrium constant increases by 2% for the same temperature change, for same temperature change। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो अच्छे से समझिएगा। For the same temperature change, calculate activation energy, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। देखो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का कुछ नहीं याद होगा, बस आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा ना कि लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम 1/K इक्विलिब्रियम 2, बस इतना फॉर्मूला याद रखो, उतना काफी है। इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच बाय 2.303 R 1/T1 - 1/T2, ये। और एक फॉर्मूला भी मैंने आपको डिराइव किया लॉग K2/K1, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी इंक्रीज बोला है और रेट कांस्टेंट का भी इंक्रीज बोला, मतलब आपको दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब कुछ ना दिया जाए तो पहले केस में ये मान के चल रहा हूँ कि इस केस के लिए जब रेट कांस्टेंट इंक्रीज हुआ तो मतलब यहाँ पे मेरे जब ये फॉर्मूला मानोगे तब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो जैसे सपोज इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा कि रेट कांस्टेंट 5% से इंक्रीज किया, तो इनिशियल मेरा रेट कांस्टेंट 100 होगा, तभी 105 से इंक्रीज किया, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, क्योंकि फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हो जब या तो फॉरवर्ड के लिए अप्लाई करना हो या तो वो इरिवर्सिबल हो, या तो फॉरवर्ड या इरिवर्सिबल, इसका मतलब रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा, मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की बात कर रहा है, डिवाइडेड बाय 2.303 R के वैल्यू 2 कर लो, 1/ क्योंकि चलो कैलोरी में निकालो, 1/300 - 1/310, तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड निकालो अगेन। अब क्या बोला, इसी टेंपरेचर चेंज के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2% से इंक्रीज कर गया, तो अब इसका मतलब क्या करो, इनिशियल आपका 100 था, 2% से चेंज किया 110, मतलब यहां से आप क्या निकालोगे, डेल्टा एच 2.303 R, मतलब अगेन 1/300 - 1/310, सेम टेंपरेचर चेंज। उसने क्या पूछा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो अब एक काम करो, यहां इस जगह से इस पहले वाले इक्वेशन से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड आएगा, दूसरे वाले इक्वेशन से क्या आएगा, डेल्टा एच आएगा, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं सिंपल से फंडा, तो यहां से डेल्टा एच और ईए निकालो, ठीक है। और आपको पता है डेल्टा एच बराबर क्या होता है, ईए ऑफ फॉरवर्ड माइनस ईए ऑफ बैकवर्ड, तो जब आपको ये वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है, ईओ बैकवर्ड आराम से आ सकता है। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अब आपको अपना मैथमेटिकल लॉजिक यूज करना है,
नीट वाले के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सोचो कि मैं या तो आप कैलकुलेटर यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नीट वाले आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट जेई वाले विदाउट कैलकुलेटर को यूज करके दिखाओ कि आखिर मैं किस अप्रोच से इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, इन दो इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इन दो इक्वेशन को आप जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोचो क्या मिल सकता और उसको यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हो। थोड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया इजी कैलकुलेशन करने के लिए, बाकी आप कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हो, दैट नो इशू, ठीक है। चलो यहाँ तक चीज अगर आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की हम, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर इनिशियली हैविंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर इनिशियली हैविंग equal rate at a particular temperature and temperature of both reaction and temperature of both reaction are and temperature of both reaction and temperature of both reaction and temperature of both reaction is increased by same amount, ठीक है, ea of the reaction are e1 and e2, जिसमें e1 is greater than e2। देखो यहीं से थोड़ा मतलब था कहानी का, ठीक है, बाकी ऊपर की सारी कहानी बकवास है, नीचे का मतलब है, ठीक है, e1 is greater than e2 full stop, calculate rate of which reaction will be increases by greater amount, ठीक है, will be increases by greater amount, ठीक है, this is the question overall, ठीक है, देखो एक सिंपल सा बात है, अब ऐसा समझो, ठीक है, मान लो ऐसे ग्राफिकली समझा रहा हूँ, एक ऐसे रिएक्शन है और एक ऐसे रिएक्शन, प्रोडक्ट सेम बना रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी बड़ी है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी छोटी है, मान लो ये रिएक्शन वन है, ये रिएक्शन टू है, तो देखो आपने थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में पढ़े होगा, यू हैव लिटिल बिट आइडिया कि जो जो टू वाला सेकेंड वाला रिएक्शन होगा वो मेरा फास्टर होगा उस टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, कि लेट्स से T1 टेम्परेचर दोनों रिएक्शन मेंटेन था, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सेकंड रिएक्शन फास्टर होगा मेरा फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी कम होती है वो फास्टर होता है, लेकिन एक कांसेप्ट और है कि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है वो टेम्परेचर चेंज करने पर वो ज्यादा फास्टर होता है एज कंपेयर टू दिस। कैसे फास्टर होता है, बोलो सर ये कैसे हो गया, समझो बात को, मैंने ये बोला जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर होती है तो पर्टिकुलर टेम्परेचर उस टेम्परेचर पे वो फास्टर होगा, लेकिन आप टेम्परेचर चेंज करते हो
तो ये इसका इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा जल्दी से भागता है एज कंपेयर टू दिस। ये बात समझ में आएगी। तो ओवरऑल मैं कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल, देखो इस ये क्वेश्चन को नीट वालों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी याद रखना कि जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो टेम्परेचर सेंसिटिव ज्यादा होता है, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा जल्दी से इंक्रीज होता है, मतलब ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज होता है। आई बात समझ में? कैसे इसको मैं मैथमेटिकली प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है? मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करके दिखाऊंगा देखो, ठीक है? फॉर्मूला आपको क्या लगेगा, लॉग K2 / K1 is equal to delta EA या EA by 2.303 or delta नहीं लिख सकते, सिर्फ EA लिखेंगे 2.303 or 1 by T1 minus 1 by T2। चलो ये होता है, ठीक है? फर्स्ट जब रिएक्शन था, ठीक है, और एक सेकंड रिएक्शन, पहले सबके में क्या क्या मुझे यूज होने वाले, तो दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिए उसने। चलो पहले उसने बोलते दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, इनिशियली सेम टेम्परेचर पे था तो T1 हो गया, ठीक है, T1 टेम्परेचर है तो इनका रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, K1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जब मान लो टेम्परेचर T2 दोनों रिएक्शन का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ा है, ठीक है, लेकिन इसका एक्टिवेशन एनर्जी E1 था और इसका एक्टिवेशन एनर्जी E2, इसका मतलब ये हुआ कि E1 is greater than E2, ठीक है। बाकी ये तीनों चीजें क्या है, दोनों रिएक्शन के लिए सेम है, दोनों इनिशियली। इसका हो सकता है कि E2 वाले का रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगा, E2 वाले का रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो आई बात समझ में, ठीक है। तो पहले वाले के लिए जब मैं अप्लाई करता हूँ तो लॉग इनिशियली K1 था, ये क्या हो जाएगा K2 dash, ठीक है, ये हो जाएगा EA by EA1 by 2.303 आर 1 by T1 minus 1 by T2। चलो ठीक है, सेकंड वाले के लिए अगर सेकंड और सेकंड वाले रिएक्शन के लिए अप्लाई करता हूं तो लॉग K2 double dash by K1, ये सेकंड रिएक्शन के लिए, तो ये क्या होगा EA by 2.303 आर 1 by T1 minus 1 by T2। चलो ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज करो सेकंड इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट को डिवाइड किया मैंने सेकंड से, फर्स्ट को मैंने क्या किया डिवाइड किया, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन, तो मैं लिख सकता हूँ लॉग K2 dash by K1 divided by K2 double dash by K1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो, ये सारा चीज कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा EA1 EA2 हो जाएगा, EA1 by EA2 हो जाएगा, और ऑब्वियस सवाल है क्योंकि EA1 बड़ा है EA2 से, तो ये वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन 1 रहेगी, ये वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन 1 रहेगी, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये उधर चला जाएगा, तो log K1 dash K2 dash by K1 is greater than log K2 double dash by K1, ये उधर चला गया, एंटी लॉग क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि K2 dash by K1 is greater than K2 double dash by K1, इस K1 कैंसिल तो K2 dash देख लो greater than K2 double dash, मतलब जो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू K2 double dash। या तो आप ऐसे समझ लो, पहला मेथड ये होगा, सेकंड मेथड मैं समझा रहा हूं, चलो क्योंकि मुझे पता है ln के बराबर ln a minus ea by rt होता है, ठीक है, ये सेकंड मेथड है, ठीक है, जिस बच्चे को पहला मेथड नहीं समझ में आया तो सेकंड मेथड समझो, और ऐसे देखो समझने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मुझे पता है k2 dash बड़ा है k2 double dash है, इसका मतलब ये कि टेंपरेचर इंक्रीज करने पर जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू सेकंड वाले। हां आप भले आप ये बोल सकते हो कि T1 टेम्परेचर पे सेकेंड जो रिएक्शन होगा वो फास्टर होगा क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है फर्स्ट एनर्जी, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा अमाउंट से फास्ट, मतलब उसका रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा अमाउंट से बढ़ता है। आई बात समझे, जो मैथमेटिकली मैंने आपको प्रूफ कर दिया, एक और तरीके से प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं दोनों को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ क्या, डी ऑफ ln k by dt is equal to, ये तो जीरो हो जाएगा, minus ea by rt square, 1 by t का differentiation क्या होता, minus 1 by t square होता, ठीक है, तो d of ln k
बाय डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा ई ए बाय आर टी स्क्वायर, ई ए बाय आर टी स्क्वायर। आई बात समझ में, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब एक ऐसा सपोज करो, ए टेंस टू प्रोडक्ट है और बी टेंस टू प्रोडक्ट है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसको समझाने का तरीका देखो, यहाँ पे मैं कैसे इसको प्रूफ करूंगा इसी चीज को, यहाँ पे दोनों दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, मान लो इसका एक्टिवेशन एनर्जी 20 है और इसका एक्टिवेशन एनर्जी 30 है। ठीक है, दोनों क्या हुआ, इनिशियली दोनों का टेम्परेचर 300 था, 300 से 310 बढ़ा। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि dT सेम है, तीन दोनों दोनों रिएक्शन पहले इनिशियली मेंटेन था 300 पे और दोनों का मैंने 10 डिग्री से बढ़ा दिया, तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब dT कितना हुआ 10। तो इस रिएक्शन के लिए dT कांस्टेंट है मेरे लिए, ठीक है, T कांस्टेंट है मेरे लिए, R कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ln k जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, किसके लिए, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिवेशन एनर्जी के। आई बात समझ में? तो मैं बोल सकता हूं कि जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो दुगने रेट से बढ़ेगा। तो यहां से भी मैं प्रूफ करके बता सकता हूं, दोनों दोनों तरीके से प्रूफ है, या तो K2, या तो आप इस मेथड से जाओ या तो इस मेथड से जाओ। आई बात समझ में? आपको आया, अच्छे से समझ में आया होगा आई होप सो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर दो रिएक्शन है, कहने का मतलब यह, मैं आपको लिखाऊंगा अभी कि अगर दो रिएक्शन है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, बेटर यही रहेगा कि इसको मैं लिख देता हूं कि दो रिएक्शन है जिसमें एक का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है दूसरे का एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उस रिएक्शन का एक्टिवेशन, उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा तेजी से भागेगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर सेंसिटिव हो, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव होगा, तुरंत टेम्परेचर बढ़ाने से तुरंत तेजी से वो भागता, मतलब बेसिकली आप ऐसा इन शॉर्ट आप इस तरह बोल सकते हो कि हायर एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन वाले हमेशा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो नोट बना के, हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नीट और जेईई मेंस दोनों के लिए हो सकता है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करो, ये करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो रिएक्शन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन, हायर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी are said to be more sensitive of temperature change, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ठीक है, यहाँ पे दो रिएक्शन के कंपैरिजन की बात है। अगर मान लो मैंने ऐसा लिया कि भैया सिर्फ एक रिएक्शन है, एक टेंस टू प्रोडक्ट है और एक्टिवेशन एनर्जी मेरा 20 दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी 20 दिया हुआ है। ठीक है, इनिशियली 200 पे था तो एक्टिवेशन एनर्जी 20 थी। ठीक है, मान लो 300 पे टेम्परेचर किया तो मैंने एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हुई, 30 हुई। एक ही रिएक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर मेंटेन कर रहा हूं, पहले कंटेनर में टेम्परेचर मैंने 200 मेंटेन किया, दूसरे कंटेनर में मैंने 300 मेंटेन किया। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी 200 से 201 बढ़ा रहा हूं, सॉरी माय मिस्टेक। एक ही रिएक्शन है, मैंने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है, तो पहले वाले कंटेनर को मैं 200 पे मेंटेन कर रहा हूं, दूसरे वाले कंटेनर पे सेम रिएक्शन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी सेम होगा, तो पहले वाले कंटेनर पे 200 को 201 से बढ़ा रहा हूं, दूसरे वाले कंटेनर पे 300 से 301 पे बढ़ा रहा हूं। तो इसमें बताओ किस टेम्परेचर चेंज पे रिएक्शन फास्टर होगा। तो देखो, जब याद रखना, जब सिंगल रिएक्शन का केस होगा तो मुझे पता है ln k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T स्क्वायर। देखो, ln k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, तो जिसका टेम्परेचर कम होगा उस केस में ज्यादा फास्टर होगा, मतलब 200 पे ये रिएक्शन ज्यादा फास्टर होगा। समझ में? तो फिर से एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करता हूं, जब दो रिएक्शन होते हैं तो जो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो टेम्परेचर सेंसिटिव ज्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर का थोड़ा सा चेंज करने पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड वाले से क्या होगा, ज्यादा फास्टर होगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ सिंगल रिएक्शन की बात है और दोनों का अलग अलग टेम्परेचर में मेंटेन किया है और टेम्परेचर
अगर लोअर टेम्परेचर के चेंज पे वो ज्यादा फास्टर होगा एज कम्पेयर टू हाइयर टेम्परेचर के चेंज पे, तो याद रखना सिंगल रिएक्शन का जब केस होगा तो लोअर टेम्परेचर के चेंज में वो रिएक्शन ज्यादा फास्टर होगा एज कम्पेयर टू हाइयर टेम्परेचर के चेंज में, जो मैथमेटिकली हम प्रूफ करके भी बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे चीजें हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ेंगे जो जेई नीट वालों के लिए वो लास्ट लेक्चर होगा, बट जेई वालों के लिए आगे दो लेक्चर और होंगे। ठीक है, और उसके बाद शायद नीट और जेई दोनों में कॉमन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो उसके बाद ये चीजें हम